कहते हैं जीवन का पहला सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का दूसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का तीसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, जीवन का चौथा सुख अच्छा स्वास्थ्य, और जीवन का हर सुख, अरे आप ही लोग बोल दीजिए, माने कि जीवन का अगर कोई भी सुख चाहिए तो अच्छे स्वास्थ्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये मानिए कि आप लोग इस धरा में भगवान ने आपको कितना बड़ा अवसर दिया है, जहाँ स्वयं को तो स्वस्थ रखना ही है, स्वयं के साथ साथ संपूर्ण समाज को, धरा में, आसपास, संपर्क में, सबको कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेरित करना है। ये काम हमारे स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए लोगों को, हमारे चिकित्सकों को, उन सबको प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी जो हमारी पारंपरिक रूप से चलने वाली जो प्रणालियाँ हैं, वो स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो जितने भी पहलू हैं उनको कहीं ना कहीं संबोधित करती है। इसके साथ साथ हमारी संस्कृति विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा दृष्टिकोण है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, और जो G20 की सम्मिट हुई है, और G20 की जो सम्मिट है उस G20 की सम्मिट में भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत की संस्कृति थी, आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं उसको मानने की ओर आगे बढ़ा है, पूरा विश्व उसको अपना रहा है। और भारत ने भी हमेशा से विश्व की प्रगति में ही अपनी प्रगति देखी है। हमारे देश की जो संस्कृति है उसने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे देश का नुकसान हो, उसके नुकसान पर अपनी प्रगति की कामना कभी नहीं की है। यह हमारे भारत की एक विशेषता भी रही है, हमारी संस्कृति भी रही है। इसलिए हमारी संस्कृति में हमेशा कहा गया है सर्वे संतु निरामय, अर्थात सभी के स्वास्थ्य होने की कामना की गई है। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार द्वारा आज उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे हर क्षेत्रों में, आज चाहे कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से अनेकों हमको जो है योजनाएं दी गई हैं, अनेक प्रकार से हमको आर्थिक हमारा सहयोग किया गया है। आज चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोपवे हो, या उसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, सभी सम्मिलित हैं हर क्षेत्र में लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सुविधाओं को सरकार के परस्पर समन्वय से कार्यों का जो सफल संपादन है वो हमारा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, अन्य विभाग भी कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही जो कैशलेस उपचार है देने की दिशा में अटल आयुष्मान योजना, जिसके बारे में अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बताया, वो बहुत ही हमारे लिए प्रभावी सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जैसे इन्होंने बताया कि 50 लाख से अधिक लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड के रूप में पंजीकरण हो चुका है। इस योजना से कई लाखों लोगों ने अभी तक इलाज कर लिया है। और सच मानिए तो ये आयुष्मान योजना, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये योजना वास्तव में एक वरदान है। वैसे बहुत सामान्य लगता है जब हम आयुष्मान की बात करते हैं तो हम इसके जो महत्व है या जो इसकी इसके द्वारा जो देश के अंदर अपनी भूमिका अदा की गई है उसके बारे में थोड़ा हम अगर गहराई से सोचें तो आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि ये आयुष्मान कार्ड न होता तो क्या स्थिति होती। आयुष्मान कार्ड आने के बाद किस प्रकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, तमाम लोगों को पहले अपना इलाज करवाने के लिए, अपने संबंधियों का इलाज करवाने के लिए, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का इलाज करवाने के लिए किसी को घर बेचना पड़ता था, किसी को दुकान बेचनी पड़ती थी, किसी को ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, घर में रखे हुए जेवर बेचने पड़ते थे या गिरवी रखने पड़ते थे या उधार लेकर जो है इलाज करवाना पड़ता था।
और इलाज भी पूरा नहीं हो पाता था। किस प्रकार की मानसिक स्थिति होती है ये, चूँकि मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ तो मैं बहुत नज़दीक से मैंने इन सबको देखा है कि वैसे तो बहुत अमीर आदमी भी होगा, उसके भी परिवार से अगर कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसकी स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब हो जाती है, चाहे कितने भी साधन संपन्न क्यों ना हो। भगवान वैसे तो मैं कहूँ कि किसी को इनका उपयोग का अवसर ही न दे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस योजना को चलाया है ये निश्चित रूप से मैं उनका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में हमारे यहाँ पर अटल आयुष्मान योजना एक वरदान साबित हुई है। उसी प्रकार से आयुष्मान भाव जो अभियान स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आज प्रारंभ हुआ है यह भी एक मील का पत्थर साबित